हवन पूजा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के अधिगम द्वारा सौंपा गया सेंगोल भी नए संसद भवन में स्थापित किया। उन्होंने इस सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया और वहां मौजूद साधुओं का आशीर्वाद लिया। उद्घाटन के समारोह के दौरान लगभग एक घंटे पूजा चली और पूरा भवन वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जिन्होंने इस नई इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से 22 संत दिल्ली पहुंचे हैं। नए संसद भवन का निर्माण 862 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। इस संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा एक संयुक्त सत्र के लिए भी बड़ा हॉल बनवाया गया है जिसमें 1272 सीटें हैं। अब नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा, वहीं पुराने संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।